ओके uh, okay, चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द फेमस क्लासिफिकेशन डन बाय कोपन जिसको हम यूजुअली कहते हैं कोपनज क्लासिफिकेशन तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोपनस क्लासिफिकेशन ओके अब ये क्या है इसने कैसे सिम्बल्स यूज किए हैं वगैरह वगैरह उसके बारे में उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं आज तो कूपन ने क्या किया है <coughs> कूपन ने जब क्लासिफिकेशन की लेकिन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन था और कहां का था तो कोपन जो है वो एक जर्मन जर्मन बॉटनिस्ट था याद रखना एक जर्मन बॉटनिस्ट था और मैं कह सकता हूं वर्ड्स एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट याद रखना दो चीजें हैं एक जर्मन बॉटनिस्ट एंड सेकेंड इज क्लाइमेटोलॉजिस्ट उसने क्या किया है उसने जब अपनी क्लासिफिकेशन दी मगर किसी क्लासिफिकेशन उसने दी वो भी हमें यहां पर पढ़ना है कि उसने वर्ल्ड को क्लासिफाई किया जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेड क्लासिफिकेशन मगर जो ये उसने क्लासिफिकेशन दी है उसने दी थी नाइनटीन हंड्रेड में नाइनटीन हंड्रेड इज ईयर जब उसने क्लासिफिकेशन दी है ओके लेकिन उसने क्या किया उसके बाद एक क्लासिफिकेशन देने के बाद उसने इसको फिर से रिवाइज किया या मैं कह सकता हूं उसने चेंज किया ही रिवाइज सो उसने रिवाइज किया इसको ही रिवाइज इट हिज ओन क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाई हिम अगेन द सेम पर्सनैलिटी इन 1900 तो उसने जब इसको रिवाइज किया था इट वॉज 1918 एटीन यानी बराबर 18 साल के बाद उसने क्या किया उसने इस क्लासिफिकेशन को फिर से उसने रिवाइज किया लेकिन जब उसने सेकेंड टाइम पर रिवाइज किया नाइनटीन इज द ईयर जब 1918 में उसने इसको रिवाइज किया तो उसने दो चीज़ों पर बहुत फोकस किया या मैं कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स जब रिवाइज हुआ ही पेड अटेंशन उसने खास अटेंशन दिया किस चीज पर टू थिंग्स आर दियर जिस पर उसने बहुत अटेंशन दिया इस बार जिस बार उसने रिवाइज किया था नंबर वन इज कि उसने क्या देखा उसने पहले देखा मंथली के बेसिस पर क्या देखा यस यू हैव टू रिमेंबर ऑन द बेस ऑफ जो हम कहते हैं मंथली सेकेंड जो है उसने क्या देखा उसने देखा कि एनुअल एवरेज चेंज क्या एनुअल याद रखना है भाई एनुअल एनुअल एवरेज एवरेज चेंज मगर किस में भाई नंबर वन या ए में लिख सकता हूं एनुअल एवरेज चेंज एक है टेम्परेचर भाई याद रखना एंड बी वी हैव कॉल्ड कॉल्ड प्रेसिपिटेशन ये दो चीजें हैं जिस पर उसने बहुत फोकस किया वन इज मंथली क्या होता है मंथली हमारे पास क्या टेम्परेचर रहता है मंथली हमारे पास क्या प्रिस्टेशन रहती है एंड एनुअल के हिसाब से हमारे पास क्या प्रिस्टेशन रहती है और एनुअल के हिसाब से हमारे पास क्या टेम्परेचर रहता है ओके okay? <coughs> लेकिन साथ साथ उसने क्या देखा उसने देखा कि इनकी चेंज इनकी सीजनल चेंज भी याद रखना एनुअल एवरेज टेम्परेचर हाँ किसमें नंबर वन टेम्परेचर एंड नंबर टू इज पॉइंट सो okay, so, इसमें क्या है कि इसमें यह भी देखना हो, होगा आपको आपको इसमें देखना है एवरेज एनुअल चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड देर सीजनल चेंज ये भी आपको जहन में रखना है लेकिन बाद में क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी उसको लगा कोप उनको खुद को लगा कि उसने बार बार इसको रिवाइज किया फॉर एग्जाम्पल उसने इसके अट्ठारह के बाद इसने अगेन रिवाइज किया ही अगेन रिवाइज द सिस्टम अगेन जब रिवाइज तो किया तो कब किया ईयर इज 1931, थर्टी ईयर इज़ 1936। याद रखना 1931 एंड 1936। थर्टी सिक्स दीज आर जिस जिस ईयर में उसने क्या किया है उसने इसको चेंज किया ओके जब चेंज किया तो उसके बाद उसका जो ऑरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो भी मॉडिफाई हो गया ठीक है ना जो उसकी ऑरिजिनल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो भी क्या हुआ वो भी मॉडिफाई हो गया यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो उसका अपना आ, अपनी स्कीम थी या अपना क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया वो मॉडिफाई हो गया था यानी मैं लिखूंगा जो ऑरिजिनल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हुआ वो ऑरिजिनल क्लासिफिकेशन मॉडिफाई हो गया लेकिन समझना ये है कि किसने इसको मॉडिफाई किया ठीक है ना वो भी एक, एक फेमस पर्सनैलिटी थे हाँ तो वो क्लासिफिकेशन जो है वो एक बंदे ने की थी जिसका नाम था गीगर पोही याद रखना गीगर गीगर पोही ओके गीगर पोही ने क्या किया उसने क्लासिफाई किया किसको या सॉरी मैं कह सकता हूं उसने उसने उसने, उसने मॉडिफाई किया ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द कोपन तो कोपन का जो अपनी क्लासिफिकेशन थी उसने इसको मॉडिफाई किया उसका नाम है गीगर पोही इन 1953 इसीलिए आज हम इसको क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम्स में इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं आप कोपन पॉइंट, क्लासिफिकेशन ठीक है ना क्लासिफिकेशन मगर समझना यह है कि जो कोपन ने क्लासिफिकेशन दी थी जो जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन जो है वो किस बुनियाद पर उसने दी थी ओरिजिनली एक बंदा था वो एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था याद रखना एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट उसने क्या किया उसने अपने टाइम पर एक क्लासिफिकेशन बताई थी जिसको मैं कह सकता हूं कि उसने वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था इन टू वेरियस जोन हाउ मेनी जोन और किस बुनियाद पर इट वॉज वेजिटेशन जोन वॉट वेजिटेशन जोन यानी उसने वर्ल्ड को क्लासिफाई किया था Into five zones. Zones पर क्या किया डिवाइड किया, किया इन टू फाइव आ, फाइव आ, लेकिन जो ऑलरेडी किसी और बाई फिजियोलॉजिस्ट उसका नाम था कैंडोली याद रखना उसका नाम क्या था hmm. उसका नाम था कैंडोली सी एन डी ओ डबल एल ई एंड दर इज एटीन सेवन सो अगर नाइनटीन हंड्रेड में अगर 1900 में कोपोन ने अपनी क्लासिफिकेशन दी वो किस बुनियाद पर उसने दी थी यहाँ पर आर एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैंडोली 1874 में उसने क्या किया उसने एक क्लासिफिकेशन दी क्या क्लासिफिकेशन दी उसने वर्ल्ड को क्लासिफाई किया इंटू वेजिटेशन जोन में और इसी फाइव वेजिटेशन जोन पर ही उसने क्लासीफाई किया लेकिन उसने कुछ और चीज़ें इसने बताई वो हम आगे यहाँ पर आगे आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो अब हमें यह समझा कि कॉपन ने क्लासिफिकेशन दी थी तो उसने जब क्लासिफिकेशन दी थी क्लाइमेटिक उसने बनाए लेकिन किस बनाए जो बुनियादी वेजिटेशन जोन थे जो दिए थे किसी और बंदे ने 1874 में उसका नाम था कैंडोली ओके आई होप यू गॉट दिस पॉइंट सो फार नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो क्लासिफिकेशन जो है किसकी कॉपन की क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ही पॉपुलर हुई बहुत ही बहुत ही पॉपुलर हुई क्यों पॉपुलर हुई यह मैं यहां पर आपको बोलूंगा कोपर की क्लासिफिकेशन बिकेम वेरी मच पावरफुल वेरी वेरी मच पॉपुलर बहुत ही पॉपुलर बनी क्यों पॉपुलर बनी इसका एक रीजन ये है कि क्योंकि हम इसको कहते हैं ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है क्या है ये ये पॉपुलर होगी बिकॉज इट इज क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इन नेचर भाई समझ लेना इस बात को इट इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर मतलब क्या है कि इसने क्या किया है इसने बहुत सारे

बाउंड्रीज डिलीनेट करेंगे किस के बाउंड्रीज डिलीनेट करेंगे ये भी हमें समझना है आप मेरी बात समझ रहे हैं सो so, डिलीनेट कर रहे हैं बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स याद रखना डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स ये बात आपको समझनी है ठीक है ना तो उसके बाद कोपन ने जो पांच फाइव वेजिटेटिव जोन आइडेंटिफाई किए जो असल में किसने दिए थे कैंडोली ने दिए थे सो so, यहां पर हम उन पांच जोन के बारे में बात करेंगे फाइव जोन फाइव जोन यहां में लिखता हूं फाइव जोन फाइव जोन हाउ मेनी जोन फाइव तो फाइव जोन में ही सबसे पहला जोन जो है कॉल्ड मेगाथर्मल जोन रिमेंबर इट फर्स्ट पॉइंट इज मेगा मेगा थर्मल जो मेगा थर्मल जोन जो है फर्स्ट वेजिटेशन जोन गिवन बाय कैंडोली जिस पर जिसके बुनियाद पर कुप ने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी है तो जो जो मेगाथर्मल uh, जोन जो है इसमें जो प्लांट्स हैं याद रखना प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थ्रू द ईयर यहां पर पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स क्या करते हैं वो डिपेंडेंट हैं किस पर डिपेंडेंट हैं दो चीजों पर एक हाई टेंपरेचर पर हाई टेम्परेचर एंड एंड ह्यूमिडिटी पर ठीक है ना मगर ये हाई टेंपरेचर ह्यूमिडिटी किस 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 पीरियड के लिए रहता है इट्स थ्रू आउट द ईयर याद रखना थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द ईयर हर पूरे साल में क्या रहता है? हाई टेम्परेचर रहता है और हाई ह्यूमिडिटी रहती है पूरे साल तो जिस जगह पर ऐसा होगा उसको हम कहते हैं थर्मल जोन तो मोस्टली कौन सा एरिया होगा ये तो इक्वेटोरियल एरिया ही होता है ऑनेस्टली है ना ऑब्वियसली अब यहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर थ्रू आउट द ईयर रहता है हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर थ्रू आउट द ईयर रहता है ऑन इट मीन्स वॉट इट मीन्स देर इज नो विंटर तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो नो no विंटर यहां पर विंटर भाई बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है ना ओके गॉट द पॉइंट एंड हम ये भी कहते हैं कि अगर थ्रू आउट द ईयर हाई टेंपरेचर रहता है ह्यूमिडिटी रहती है तो ये प्लांट्स जो होते हैं ना ये होते हैं एवरग्रीन क्या होते हैं भाई एवरग्रीन होते हैं ओके okay? उसके बाद जो ये टेम्परेचर होता है कूलेस्ट मंथ का अगर मैं जैन या फैब किया या दिसंबर और जनवरी की बात अगर मैं करूँ पर्टिकुलरली अगर मैं जनवरी की बात करूँ जो मोस्टली कोल्ड ही रहता है तो टेम्परेचर जो कूलेस्ट मंथ का होता है ना तब भी वो होता है एबो एटीन डिग्री सेल्सियस सो टेम्परेचर जो रहता है मगर किन का जो कूलेस्ट मंथ्स होंगे कूलेस्ट मंथ्स में पर्टिकुलरली जैन ही आता है तो यहाँ पर रहता है हमेशा एबो एटीन डिग्री सेल्सियस एटीन डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर इन इलाकों में रहता ही नहीं है ओके okay. और यहां पर होता है डोमिनेंस ऑफ इक्विटोरियल फॉरेस्ट सो यहां पर आप क्या लिखेंगे डोमिनेंस डोमिनेंस किसका भाई डोमिनेंस ऑफ इक्विटोरियल फॉरेस्ट ठीक सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट जोन गिवन बाय कैंडोली एंड यूज बाई कोपन फॉरेस्ट ओन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द फर्स्ट इज मेगा जोन ओके सेकेंड जोन जो है जिसके बारे में हम ये पढ़ेंगे दैट कॉल्ड जीरो वॉट जीरो फाइटिक जोन सेकेंड इज जीरो एक्स ई आर ओ जीरो जोन जीरो फाइटिक जोन में क्या होता है याद रखना कि ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थ्राइव करते हैं हॉट एंड एरिड कंडीशंस में याद रखना यहां के प्लांट्स क्या करते हैं यहां के प्लांट्स थ्राइव करते हैं ग्रो करते हैं किस में भाई किस किस टेम्परेचर में जहाँ पर हॉट होगा जहाँ पर एरिड कंडीशन होंगे एक तो हॉट होगा एंड दूसरा क्या होगा भाई एरिड एरिड का मतलब है ड्राई लाइफ कंडीशन हॉट एंड एरिड कंडीशन ठीक इसका मतलब ये भी है कि ये डेजर्टेड एरिया होगा बहुत गर्मी होगी इसका मतलब ये है कि अगर ये डेजर्ट एरिया होगा तो प्रेसिपिटेशन कम होती है अगर प्रिसपिशन कम होती है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वहाँ पर डेजर्ट एरिया होगा जब वो डेजर्ट एरिया होगा तो बहुत गर्मी भी होगी तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो जो इवेपोरेशन होती है वो एक्सीड करते हैं प्रिसपिटेशन क्या आप सेकेंड पॉइंट नहीं लिख सकते हैं इवेपोरेशन जो है इट 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 एक्सीड्स दैन वॉट दैन प्रिसपिटेशन यानी इसका मतलब है कि यहाँ से ही ऊपर जाता है एज़ कंपेयर टू वहाँ से ही नीचे आना प्रिस्पिटेशन से ज़्यादा यहाँ से इवेपोरेट ज़्यादा होता है ओके okay? जो जीरो प्लांट्स होते हैं इनमें खासियत यह रहती है कि ये प्लांट्स प्लांट्स दीज हैव देयर ओन मॉइस्चर याद रखना भाई प्लांट्स हैव देयर ओन मॉइस्चर ठीक है ना इनका अपना मॉइस्चर होता है और ये भी आपको खास क्या रखना है कि जो ये प्लांट्स होते हैं कौन से प्लांट्स ये वाले प्लांट्स जीरोफाइटिक प्लांट्स इनमें खासियत यह भी है कि इनको लॉन्ग रूट्स होते हैं एक तो ये बात है लॉन्ग रूट्स होते हैं इनको 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 याद रखना इनको थिक बार्क्स होते हैं थिक, थिक बार कितने हो गए दो थर्ड पॉइंट यू टू राइट वैक्सी लीव्स वैक्सी लीव्स ठीक है ना उसके बाद आपको यह भी समझना है कि अगर इनको वैक्सी लीव्स हैं तो इनको ये थॉर्न भी होते हैं हाँ थॉर्न्स ये थॉर्न भी होते हैं तो इससे क्या हो जाता है इससे ये चीज होती है कि इट अवॉइड्स इवेपो ट्रांसपाइरेशन जिसमें भी ये चीजें होती हैं ये चीजें क्या करती हैं ये अवॉइड करती हैं वॉटो ट्रांसपाइ रेशन ओके इट अवॉइड्स इवेपो ट्रांसपाइरेशन ठीक आई होप यू गॉट द पॉइंट देन वी हैव नेक्स्ट दैट्स कॉल्ड थर्मल फर्स्ट वॉज मेगाथर्मल सेकेंड इज जीरो फाइटिंग जोन एंड थर्ड वी हैव दैट इज कॉल्ड मीजो थर्मल ओके थर्ड मीजो एम ई एस ओ मीजो थर्मल जोन तो मीजो जोन किस जोन को कहते हैं किस वेजिटेटिव जोन को कहते हैं मीजो जोन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं अपने आप को यानी प्लांट्स खुद अपने आप को अडॉप्ट करते हैं टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेसिपिटेशन यानी यहां पर आपको क्या लिखना है ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं जो एडॉप्ट करते हैं किस चीज को एडॉप्ट करते हैं मॉडरेट ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा प्रसिप्टेशन मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रसिप्टेशन शॉर्ट टी एंड पी आप शॉर्ट पे लिख सकते हो ओके वॉट सो अब क्या है कि इसमें और भी ये चीजें आपको याद रखनी है कि टेंपरेचर जो होता है कोल्डेस्ट मंथ्स का वो होता है बिलो एटीन डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होता है बिलो 18 डिग्री सेल्सियस किस में यानी अगर आप कोल्ड मंथ्स की बात करेंगे यानी मैं टेम्परेचर बात यहां पर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस मगर क्या ये मैं बात करता हूं जो कूलेस्ट मंथ्स होंगे कूलेस्ट मंथ्स होंगे याद रखना मगर ये भी याद रखना है कि अगर बिलो 18 डिग्री सेल्सियस है लेकिन नीचे कितना नीचे ये है कि इट शुड बी एबो एबो माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस यानी माइनस थ्री डिग्री से लेके एटीन डिग्री सेल्सियस तक सो इन बिटवीन मैं शॉर्टली कह सकता हूँ इन बिटवीन माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस टू एटीन डिग्री सेल्सियस तो इस इलाके में ये टेम्परेचर रहता है ठीक है ना आई होप यू गॉट द पॉइंट लेकिन अगर मैं ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ लेकिन वार्म मंथ्स का ये था कूल cool मंथ्स अगर मैं वार्म मंथ्स की बात करूँगा एवरेज एवरेज टेम्परेचर जो रहता है किसका भाई किसका जब मैं वार्म मंथ्स की बात करता हूँ वार्म मंथ्स में अगर एवरेज टेम्परेचर रहेगा तो कितना रहेगा तो एवरेज रहता है ज्यादा नहीं रहता है ट्वेंट मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर है बाई द वे ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस जो है इतना टेम्परेचर रहता है एवरेज टेम्परेचर इन द इन द वार्म मंथ्स ओके सो दिस इज अबाउट मीजोथर्मल ओके देन वी हैव माइक्रोथर्मल नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ 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 इज वॉट माइक्रोथर्मल सो माइक्रोथर्मल क्या होता है इसमें ऑब्वियसली हम बताएंगे कि टेंपरेचर वगैरह वगैरह जो है फोर्थ इज माइक्रो माइक्रोथर्मल जोन अब माइक्रोथर्मल जोन में आपको क्या समझना है कि माइक्रोथर्मल जोन जो होता है ये सर्वाइव करता है उन रीजन में जहां पर टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ्स का कितना होता है यानी ये सर्वाइव करते हैं प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं भाई प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स सर्वाइव करते हैं प्लांट्स सर्वाइव करते हैं किस चीज़ के लिए सर्वाइव करते हैं कहाँ पर सर्वाइव करते हैं भाई ये भी आपको समझना है प्लांट्स सर्वाइव करते हैं उन रीजन्स में जहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड मंथ्स का कितना होगा जहाँ पर टेम्परेचर होगा कोल्ड मंथ्स का अरे भाई कितना कोल्ड मंथ्स का कितना टेम्परेचर कितना टेम्परेचर रहना चाहिए आप बताओ टेम्परेचर कितना रहेगा शब कोल्ड मंथ्स का टेम्परेचर जो होगा भाई कितना होगा माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस थ्री डिग्री सेल्सियस ओके अगर मैं एवरेज टेम्परेचर कहूं मतलब वार्म मंथ्स की वो होता है कितना एवरेज टेम्परेचर अगर मैं बात करूंगा किसकी वार्म मंथ्स का याद रखना भाई वार्म मंथ्स का वो कितना होगा इट्स डिग्री सेल्सियस वॉट एबो 10 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस थ्री डिग्री से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है ना मगर 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 ये भी याद रखना है अगर एबो तो होगा कितना होगा बट इट शुड बी बिलो नॉट शुड बी इट इट इज बिलो बिलो वट बिलो ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस यानी ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस से कम माइनस थ्री से ऊपर दस से भी ऊपर इसका मतलब क्या है माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस लेकर ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस तक आई होप एवरी मान इज गेटिंग लेकिन इसमें आपको एक एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ ये है कि जो बोरियल डिसजेस और स्टेपी स्टेपी uh, uh, जो uh, जो वेजिटेशन है बोरियल बोरियल वेजिटेशन नंबर वन नंबर टू आप आप लिख सकते हो स्टेपी वेजिटेशन स्टेपी वेजिटेशन इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोथर्मल वेजिटेशन क्या कहते हैं माइक्रोथर्मल वेजिटेशन को हम कहते हैं माइक्रोथर्मल वेजिटेशन आई होप एवरी वन इज गेटिंग माई पॉइंट सो लास्ट में हमें क्या पढ़ना है लास्ट में <coughs> आपको समझना है कि अगर आ, ये फोर आ, हमने पढ़े हैं लेकिन लास्ट में और एक चीज है वट इज दैट शबाश फोर्थ सॉरी फिफ्थ फिफ्थ इज हेक्सटो एच ई के आई एस यहां मैं लिखता हूं फिफ्थ फिफ्थ इज वॉट एच ई के आई एस टी ओ हेक्स टू थर्मल जोन ओके दिस इज द लास्ट वेजिटेशन जोन यूज बाई आर गिवन बाय कैंडोली एंड यूज बाय कोपन फॉर ओन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही स्टार्टिंग में ही कहा है तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स थ्राइव करते हैं उन जगहों पर उन एरियाज पर जो परमानेंटली आइस कवर्ड एरियाज होते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर ये यह ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं भाई जो थ्राइव करते हैं किसमें थ्राइव करते हैं भाई जहां पर आइस कवर्ड एरियाज होंगे क्या होंगे भाई परमानेंटली आइस कवर्ड एरियाज होंगे जिसमें कौन से एरियाज आएंगे नॉर्मली हमें पता है जो आर्कटिक एंड पोलर एरियाज हैं वही तो आएंगे ना इसमें जिसमें आर्कटिक एंड पोलर एरियाज जो होंगे जो हमेशा रहते हैं क्या स्नो में ही रहते हैं ठीक है ना अच्छा अब ये तो पांच जोन हो गए लेकिन कोपन जो है कोपन वॉज कन्विंसड कोपन को यकीन था उसको मालूम था कि देर वॉज ए परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट ग्रुप्स एंड क्लाइमेट्स याद रखना यानी जो कोपन है कोपन क्या था वॉज कन्विंसड उसको पूरा श्योर वो हो गया आ, किस चीज के लिए वो कन्विंस हो गई पूरा श्योर हो गया कि देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप किसके दरमियान बिटवीन प्लांट ग्रुप्स एंड एंड क्लाइमेट यानी देर इज ए परफेक्ट परफेक्ट वॉट परफेक्ट रिलेशनशिप किसके दरमियान भाई बिटवीन बिटवीन वॉट बिटवीन प्लांट प्लांट ग्रुप्स एंड क्लाइमेट सो क्लाइमेट और प्लांट ग्रुप्स के दरमियान क्लोज और परफेक्ट रिलेशन है जिस तरह का क्लाइमेट होगा उसी तरह की वेजिटेशन होगी फॉर एग्जाम्पल अगर वार्म क्लाइमेट है तो अलग किस्म की वेजिटेशन होगी अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो अलग किस्म की वेजिटेशन होगी हर जगह सेम वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी सो so, इसी बुनियाद पर ऑन दीज फाइव वेजिटेटिव जोन कोपी ने क्या किया उसने पांच कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स यूज किए सो so, याद रखना है यहां से शुरुआत होती है अल्फाबेट्स तो जो पांच क्लाइमेटिक जोन हैं, याद रखना भाई पांच क्लाइमेटिक जोन के लिए जो ये पांच फाइव क्लाइमेटिक जोन सॉरी फाइव वेजिटेटिव जोन जो हैं, इन फाइव वेजिटेटिव जोन के लिए इसने पांच कैपिटल अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स उसने यूज किए हैं मर कैपिटल एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल लेटर ए कैपिटल लेटर बी टर सी डी एंड ई सो इसे क्या किया यूज ए बी सी डी एंड ई तो पांच पांच वेजिटे पांच अल्फाबेट लेटर्स तो पांच जोन अगर दिए हैं कैंडोली ने लेकिन उसके लिए उसने पांच अल्फाबेट्स यूज किए हैं जो वो कौन था वो था कूपन आई होप एवरी लेकिन बिसाइड्स दीज फाइव लेटर्स ही ऑल्सो यूज स्मॉल लेटर्स भाई ये तो कैप लेटर्स है ही हैं लेकिन उसने उसने स्मॉल uh, स्मॉल लेटर्स भी है उसने यूज किए हैं स्मॉल लेटर्स में सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एफ एम डब्ल्यू एस बट ऑल द फोर आर वट स्मॉल लेटर्स सो एफ जो है एफ का मतलब क्या है एफ वो एरियाज होते हैं जहां पर प्रसिपिटेशन होती है थ्रू आउट द ईयर क्या होती है ये आपको आगे काम में आएगा प्रसिपिटेशन थ्रू आउट थ्रू आउट वट थ्रू आउट द ईयर यानी एक साल पूरे साल में क्या होती है प्रेस्टेशन होती है उसको हम कहते हैं एफ ठीक है ना सेकेंड वी है ना मॉनसून क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शॉर्ट ड्राई सीजन उसको आप लिख सकते हो शॉर्ट ड्राई सीजन ठीक है ना शॉर्ट ड्राई सीजन गॉट द पॉइंट ओके नाउ Now, now let us speak, uh, uh, talk about W. What is W? W stands for winter dry season. Yeah, but w stands for W and winter. Okay. Winter dry season. Then we have S. S is small. No? Well defined summer dry season. Well defined summer dry season. सो दिस इज़ अ चार्ट जो आपको याद रखना है और उसके बाद हम आगे ए का इस्तेमाल करेंगे बी का सी का डी का और ई e का ओके okay, सो so पाँच छो का पाँच का हम इस्तेमाल करेंगे साथ साथ एन का भी इस्तेमाल करेंगे जो आपको आगे जरूरत हेल्प एल्फ हो जाएगी अब देखो क्या है अब हम क्या करते हैं जो पाँच uh, हमने अल्फाबेट्स यूज किए हैं तो पांच में से जो पहला वाला है दैट इज़ कॉल्ड ए क्लाइमेट सेकेंड इज कॉल्ड बी क्लाइमेट देन सी देन डी देन ई ओके पांच सो so पहला क्या है फर्स्ट वन इज ए क्लाइमेट ओके फर्स्ट वन इज ए क्लाइमेट ये ए क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट uh, ट्रॉपिकल रेनी क्लाई ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट ओके okay? इस ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट में आपको क्या करना है वही ए आपको यूज करना है बी यूज नहीं करना है भाई बी बी क्लाइमेट में होगा तो ए ही यूज करना है और साथ साथ में आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने जो पहला था दैट्स कॉल्ड एफ ओके गॉट द पॉइंट सेकेंड इज ए एंड वी हैव एम ओके थर्ड इज ए वी हैव डब्ल्यू एंड फोर्थ इज ए वी हैव स्मॉल एस सो दिज आर स्मॉल ओके एंड दिस ए इज कैपिटल स्मॉल एफ स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस एंड कैपिटल ए ओके ए so, एफ का क्या मतलब है ए एफ का मतलब है वॉट शबाश ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट क्या ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट प्रसपिटेशन ठीक है ना जहां पर प्रसिपिटेशन भी होगी ए एम का मतलब क्या है एम स्टैंड फॉर मॉनसून टाइप जो भी आपने लिखा वही है भाई मॉनसून टाइप डब्ल्यू का मतलब है ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई ड्राई वॉट ड्राई क्लाइमेट ठीक है ना देन वी है आप लिख सकते हो बाई ड्राई समर्स ठीक है ना तो so, ऐसे करके आप लिख सकते हो देन देन वी हैव बी टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं यूजअली ड्राई क्लाइमेट है ना तो बी बी व्हाट्स बी यहां पर आप लिख सकते हो बी क्लाइमेट बी क्लाइमेट या जिसको आप कह सकते हो ड्राई क्लाइमेट इसको ड्राई क्लाइमेट क्यों कहते हैं क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था जब हम पांच पढ़ रहे थे सेकेंड वन जीरो फाइटिक पढ़ रहे थे जहां पर इवेपरेशन एक्सीड करेगा किसको प्रसिपिटेशन यहां पर क्या है इवेपुरेशन एक्सीड्स प्रिस्पिटेशन ठीक है ना तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं बी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कॉपन ने हमें दे दिया है सो so, इस बी में हमें दो टाइप्स हैं कितने हाव मनी टाइप्स टू टाइप्स बी वी हैव टू टाइप्स फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन तो हम यहां पर बी लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं बी टाइप में सो फर्स्ट वन इज बी डब्ल्यू एंड बी एस मैं लिखता हूं बी डब्ल्यू एंड बी एस वट्स बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू जो है इट इज ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट क्या ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट याद रखना भाई एंड वॉट इज बी एस बी एस चें वॉट इट इज सेमी एरिड और स्टेपी सेमी एरिड और स्टेपी ठीक है ना ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट एंड सेमी एरिड ये इजी याद रखना है थोड़ा प्रैक्टिस आप भी करेंगे तो उससे उसके बाद इजी हो जाएगा लेकिन इस बी को हम फर्दर करते हैं डिवाइड इस बी क्लाइमेट को हम फर्दर डिवीजन करते हैं एंड द फर्दर डिविजन आर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एंड नंबर फोर ठीक है ना तो फर्दर डिवीजन जो है इस बी टाइप के वो हैं चार ओके फॉर एग्जाम्पल आपको यही लिखना है फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा बी W लिखा ये बी डब्ल्यू उसके बाद वही बी एस लिखना है ओके okay? उसके बाद फिर से बी डब्ल्यू लिखना है ओके okay? उसके बाद फिर से बी एस लिखना है तो फर्क क्या है बी डब्ल्यू इधर भी है बी डब्ल्यू इधर भी है बी एस इधर भी है बी एस इधर भी है, है. लेकिन फर्क क्या है आपको और एक अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल करना है दैट इज एच एच एंड के सो दिस इज एच दिस इज एच दिस इज के एंड दिस इज के मगर ये क्या है ये सर्कल वाले जो हैं ये स्मॉल लेटर्स है ओके बी डब्ल्यू कैपिटल बी एस कैपिटल बी डब्ल्यू कैपिटल बी एस कैपिटल बट जो लास्ट वर्ड है दिस इज स्मॉल ठीक है ना अब देखो इसका क्या मतलब है जो बी डब्ल्यू एच जो होता है इसको हम ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट क्या ट्रॉपिकल डेजर्ट ओके okay? ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट तो यहां को याद रखना है नाउ सेकेंड इज बी 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 एस एच बी एस एच का मतलब क्या है ट्रॉपिकल स्टप्पी क्लाइमेट याद रखना ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल स्टप्पी क्लाइमेट ठीक है ना देन थर्ड इज वॉट थर्ड इज बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू के खे का क्या मतलब है भाई के का मतलब है जो मिड लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट होगा मिड लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड कोल्ड वट इज कोल्ड कोल्ड डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट होगा लेकिन मिड लैटिट्यूड पर उसको हम क्या कहेंगे उसको हम लिखते हैं बी डब्ल्यू के देन वी हैव बी एस के एच एच के के बी देखो एच एच के के बी एस के व्हाट्स बी एस के इट इज मिड लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपी मिड लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपी याद रखना भाई ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की बात करूं जो पहला है बी बी डब्ल्यू एच यहां पर क्या होता है जो एनुअल एवरेज जो होता है वो होता है मोर देन एटीन यहां की बात अगर करो एनुअल एनुअल एवरेज जो होता है दैट्स एनुअल डिग्री सेल्सियस ठीक है अगर मैं बी एसके की बात करूं सेकेंड वन यहां पर क्या होता है यहां पर होता है एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस देर इज एवरेज टेम्परेचर मोर देन 18 एंड हीयर वी हैव एवरेज एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस नॉट मोर देन बट एवरेज ठीक है ना अगर आप मिड लैटिट्यूड की बात करेंगे जो थर्ड वन है बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू के यस बी डब्ल्यू के के में क्या है कि यहां पर क्या होता है एवरेज टेम्परेचर होता है लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज कितना होता है लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस यानी 18 डिग्री से कम यहां पर है मोर यहां पर है एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस यहां पर है एवरेज लेस देन वॉट लेस देन एरो नीचे का मतलब है लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना अगर आप लास्ट की बात करेंगे तो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है यहां पर मीन एनुअल यहां पर मैं एनिवल की बात करता हूं एनुअल एनुअल एवरेज 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 एनुअल और 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 एनुअल मैं यहां की बात करता हूँ जो मीन एनुअल यहां पर होगा टेम्परेचर होगा वो होगा लेस देन लेस देन एटीन डिग्री सेल्सियस दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ठीक है ना एंड दिस इज इन अदरवर्स डिफरेंस अब इसके अलावा हम क्या करते हैं uh, हो गया ए बी बी भी हो गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी सी टाइप ऑफ क्लाइमेट सी क्लाइमेट ओके वी हैव सी टाइप ऑफ क्लाइमेट इस सी टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है ये आपको समझना है ठीक है ना जहां पर एवरेज टेम्परेचर रहता है कोल्ड मंथ्स का अब थ्री डिग्री सेल्सियस यानी एवरेज टेम्परेचर अगर हमें बात करनी होगी भाई एवरेज टेम्परेचर मगर किसकी जो कोल्ड मंथ्स जो हैं, एवरेज टेम्परेचर लेकिन कोल्ड मंथ्स की वो रहता है अब थ्री डिग्री सेल्सियस कितना अबो अबो वॉट अबो थ्री डिग्री थ्री डिग्री सेल्सियस एबो थ्री डिग्री सेल्सियस ओके मट uh, मगर ये भी याद रखना कि अगर एबो है थ्री डिग्री सेल्सियस लेकिन कहां तक बट इट शुड बी बिलो शुडीन डिग्री सेल्सियस बिलो बिलो डिग्री सेल्सियस तेरह डिग्री से कम लेकिन तीन डिग्री से ऊपर इन बिटवीन थ्री एंड थर्टीन ये आपको याद रखना है और प्रेसिपिटेशन जो होती है वो हर सीजन में होती है हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप जो प्रेसिपिटेशन होती है भाई प्रेसिपिटेशन इज इन ऑल मंथ्स हर मंथ में क्या है हर मंथ में होती है जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ठीक सो बेस्ड ऑन सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसिपिटेशन इट इज डिटू थ्री क्या यानी सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसिपिटेशन जो है याद रखना भाई इट इज बेस्ड ऑन थ्री नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री फर्स्ट वन इज दट इज कॉल्ड इज कॉल्ड सी एफ वॉट एफ सुमॉल रिमेंबर इट सी कैपिटल एफ सुमॉल यहां पर होती है जो प्रिपिटेशन होती है वो होती है थ्रू आउट थ्रू आउट द थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल जहां पर डी एफ टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा प्रिस्पिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है इसको मैं कहता हूं इट रिप्रेजेंट वेस्टर्न यूरोप टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या वेस्टर्न western europe european type of climate this is very important point to understand jahan par cf hoga wahan par throughout the year precipitation hogi aur usko hum kehte hain western european type kyunki west europe jo hai wahan par aisa hi mausam hai theek hai this is an example you can understand second uh, aapko ye bhi samajhna hai जो ये CF एफ है इसको भी हम डिवाइड करते हैं no doubt, हमने इसको किया है C को हमने किया है तीन में divide, CF फर्स्ट वन है ओके देन वी हैव इसको भी हम डिवाइड uh, करते हैं फर्दर किसको पहले वाले को सी एफ को दैट इज सी एफ एंड सी एफ बी यानी इसको भी हम डिवाइड करते हैं सी एफ को भी हम डिवाइड करते हैं सी एफ ए सी एफ बी समझ में आ रहा है सी एफ ए का मतलब क्या है इसको हम कहते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वॉट इसको हम कहते हैं ह्यूमिड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल याद रखना वट सी अट इज वॉट इट इज मैरी आर आई एन ई मैरीन वेस्ट कोस्ट ठीक है ना इट इज मैरीन वेस्ट कोस्ट फिर जो दूसरा टाइप है दैट इज वॉट दिस वन तो आई होप की आपने लिखा होगा सो सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड इज दिस इज फर्स्ट वन देन सब सब डिविजन सी एफ सेकेंड इज सी डब्ल्यू एंड थर्ड इज सी ए सी डब्ल्यू एंड थर्ड इज वॉट सी ए कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल डब्ल्यू ओके सो डब्ल्यू का क्या मतलब है यहां पर ड्राई विंटर ठीक है ना ड्राई विंटर सी डब्ल्यू सॉरी नॉट डब्ल्यू सी डब्ल्यू ड्राई विंटर ओके प्रिस्टेशन होती है मोर इन रेनी सीजन जब रेनी सीजन होगा उस टाइम पर बहुत precipitation होगी सो प्रेसिपिटेशन इज मोर मगर कहां पर इन इन रेनी सीजन ये आपको समझना है इन रेनी सीजन आपको क्या मिलेगा बहुत प्रसन्न होगी अरे जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पर आपको ज्यादा बारिश होती है सो so, उसको हम कहते हैं सी डब्ल्यू सो इसको हम कहते हैं इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम कहते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट व्हाट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पर ड्राई विंटर होगा समर के टाइम पर जब रेनी सीजन होगा तो उस वक्त बहुत बारिश होगी और विंटर में ड्राई होगा तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट ओके देन वी हैव सी ए सी ए स्टैंड फॉर वॉट शबाश यहां पर आप लिखा ड्राई ड्राई विंटर लिखा तो यहां पर आपको क्या लिखना है जो थर्ड वाला है वॉट थर्ड थर्ड इज सी ए सी एज वॉट C में आपको लिखना है अगर वहां पर ड्राई विंटर यहां पर लिखना है ड्राई समर फर्स्ट पॉइंट ड्राई समर यहां पर क्या लिखा ड्राई विंटर एंड हियर यू हैव ड्राई ड्राई समर ठीक है ना जो होती है वो विंटर सीजन में होती है यानी जिसको मैं कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स वेट विंटर्स एंड 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 जो प्रिस्टिशन होती है वो विंटर में होती है ठीक है ना ड्राई समर होता है सो so, मैं कहता हूं जो ड्राई समर्स वेट विंटर्स यानी समर ड्राई रहता है लेकिन विंटर जो है वो वेट रहता है यहां पर आपने क्या देखा यहां पर ड्राई विंटर है और रेनी सीजन में ज्यादा बारिश होती है तो उसको आपने क्या कहा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट लेकिन जहां पर ड्राई समर होगा वेट विंटर होगा हाँ सर्दी के मौसम में बहुत बारिश होती है बर्फबारी होती है बारिश होती है लेकिन समर में बहुत ड्राइनेस uh, होता है उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम कहते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट याद रखना इसको हम कहते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सो ये आपको याद रखना है किसको कहते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट किसको कहते हैं चाइनीज किसको कहते हैं वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो ये सारे चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है एस पर आपको प्री के हिसाब से सवाल आ सकता है ठीक है ना प्री तो उसके बाद हमारे पास डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये हो गया ए बी सी सी के बाद है डी डी व्हाट्स डी डी में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है डी uh, में uh, आपको क्या देखना है कि ऐसे ही देखना है डी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है यहां पर विंटर का टेम्परेचर रहता है लेस देन माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस अगर मैं विंटर की बात करूं विंटर में टेम्परेचर कितना रहता है इट इज लेस देन थ्री डिग्री सेल्सियस मगर क्या थ्री डिग्री सेल्सियस? शबाश। माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस शबाश। ठीक है ना लेकिन समर का अगर टेम्परेचर आप देखते हो ये तो विंटर का था नाउ लेस टॉक अबाउट समर वॉट अबाउट समर समर में आपका टेम्परेचर यानी जो उस वक्त मौसम होता है समर में उस वक्त अबोव टेन डिग्री सेल्सियस रहता है यानी इट्स अबोव एबो वॉट टेन डिग्री सेल्सियस दस डिग्री से ज्यादा ना तो ग्राउंड सरफेस जो होता है इट्स कवर्ड विथ स्नो याद रखना ग्राउंड सरफेस जो है इट्स कवर्ड विथ स्नो ठीक है ना तो इस स्नो से बिल्कुल कवर होता है ग्राउंड सरफेस ठीक है तो टेम्परेचर इसलिए ज्यादा नहीं होता है लेकिन इस डी को भी हम क्या करते हैं इस डी को भी हम डिवाइड करते हैं इन फर्दर डिविजन तो डी में आप क्या लिखते हो एक आप लिखते हो भाई दो चीजें आपको याद रखनी एक होता है डी एफ जो डी डब्ल्यू डी कैपिटल स्मॉल एफ सेकेंड इज डी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू ठीक है ना अब क्या है डी एफ जो है इट इज ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट क्या है ये याद रखना यहां पर लिखता हूं ह्यूमिड ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट और क्या होता है इसमें इसमें आपको लिखना है नो ड्राई सीजन लिखना है आपको नो ड्राई सीजन नो ड्राई सीजन और पहला point क्या लिखा आपने फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट एंड नो ड्राई सीजन ये आपको इसमें इसमें लिखना है ठीक है ना और अगर वहां से आप देखेंगे वो वहां पर क्या लिखेंगे आप वहां पर आपको लिखना है ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट यहां पर ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेटमिट कोल्ड क्लाइमेट ठीक और क्या है यहां पर ड्राई विंटर होता है भाई दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड यहां पर ड्राई विंटर होता है जहां पर डी डब्ल्यू होगा और यहां पर नो ड्राई सीजन होता है जहां पर डी एफ होगा डी कैपिटल स्मॉल एफ ठीक है ना लिख इसके बाद भी हमने क्या किया है इस डीएफ को हमने फर्दर सब डिविजन किया है और इस डी डब्ल्यू को भी हमने डिवाइड किया है इनटू फर्दर डिविजन फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इज डी एफ फर्दर डिविजन क्या है डी एफ ए डी एफ बी एंड डी एफ सी ओके डी एफ ए डी एफ बी डी एफ सी डी कैपिटल एफ ए स्मॉल डी कैपिटल एफ बी स्मॉल डी कैपिटल एफ सी स्मॉल आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सिमिलरली आपको यहां से भी डिवाइड करना है लेकिन पहले हम बात करेंगे वॉट इज डी एफ इज़ स्मॉल ओके डी एफ ए डी एफ ए क्या मतलब होता है जहां पर लॉन्ग समर्स होता है क्या याद रखना हर कोई पॉइंट आपको अंडरस्टेंड करना है हर कोई पॉइंट में आपको गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्री का किसी भी स्टाइल के साथ आ सकता है सो so, क्या होता है लॉन्ग वॉन्ग समर्स लॉन्ग ंग समर्स ठीक है सेकेंड जो ये है डी एफ बी जो है उसमें आप क्या लिखेंगे लॉन्ग कूल समर्स याद रखना दिस इज लॉन्ग कूल समर्स ओके लॉन्ग कूल समर्स देन थर्ड यू है डी एफ सी वॉट डी एफ सी एफ ए एफ बी एंड एफ सी सी क्या है शॉर्ट एंड कूल समर्स शॉर्ट एंड कूल शॉर्ट एंड कूल समर्स जिसको हम मोस्टली कहते हैं ये सब आर्टिक रीजन होता है क्या सब आर्टिक रीजन होता है ठीक है ना सब आर्टिक रीजन देन सिमिलरली वी है डी डब्ल्यू वी है डी डब्ल्यू ए We have DWB, we have DWC. So, यहां पर आप क्या लिखेंगे डी यहा डी डब्ल्यू ए डी डब्ल्यू बी एंड फाइनली वी हैव डी डब्ल्यू सी ठीक है ना तो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है सो डी डब्ल्यू ए में क्या लिखा आपको लिखना है ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट लिखा सॉरी डी डब्ल्यू में लिखा आपने लेकिन ए में क्या लिखा है लॉन्ग कुल समर्स लिखना है आपको लॉन्ग कूल समर्स ओके लॉन्ग कूल समर्स देन दे डी डब्ल्यू बी डी डब्ल्यू बी में क्या आता है डी डब्ल्यू बी में आपको आता है कूल शॉर्ट समर्स याद रखना कूल शॉर्ट समर्स भाई इनको आपको याद रखना है लॉन्ग कूल समर्स कूल शॉर्ट समर्स कूल है लेकिन शॉर्ट समर्स है ठीक है ना तो थर्ड इज डी डब्ल्यू सी डी डब्ल्यू सी में आपको क्या आता है इसमें आता है आपको कोल्ड विंटर्स क्या आता है आपको कोल्ड विंटर्स तो ये चीजें जो है ये चीजें आपको याद रखनी रखनी है Then finally we have one more, called ABCD. तो हो गया ही हो गया अब है आपके पास ई e. क्लाइमेट e, e जो है वो क्या है ई टाइप ऑफ क्लाइमेट ओके ई क्लाइमेट हम कहते हैं पोलर क्लाइमेट भी पोलर आई मीन पोलर पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं ई ई क्लाइमेट क्या होता है ई क्लाइमेट इज वॉट इट इज पोलर पोलर वॉट पोलर क्लाइमेट ई क्लाइमेट मींस पोलर क्लाइमेट ओके इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो वार्मस्ट वार्मस्ट मंथ्स जो होते हैं होते हैं वो होता है लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस यानी अगर मैं टेम्परेचर की यहां पर बात करूं मगर मैं कहूंगा बात जो वॉम मंथ्स हैं इन वॉम मंथ्स में भी टेम्परेचर जो रहता है दैट इज बिलो टेन डिग्री सेल्सियस दैट इज बिलो टेन डिग्री यानी लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है ना क्लियर लेकिन अब इस ई e को हम करते हैं फर्दर सब डिवीजन क्या करते हैं इसको हम फर्दर सब डिवीजन करते हैं एक ये है तो दूसरा ये है व्हाट्स दिस First one is ET, second one is EF, ET and EF, so this is ET and this is EF, okay, capital, ET capital, EF capital, Theek? What's e T What's e ET? ET is Tundra climate, Tundra means uh, jo higher, hain, yeah, sorry ET, Tundra climate, Handa, hai na? Tundra climate, ET is Tundra climate. टेम्परेचर जो वार्म मंथ्स का होता है वो होता है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस बट एबो जीरो डिग्री सेल्सियस अगर मैं वार्म मंथ्स की बात करूं यहां पर टेम्परेचर क्या होता है वार्म मंथ्स का टेम्परेचर क्या रहता है वही जो मैंने आपको कहा कि इट इज वॉट इट इज वॉट इट इज लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस एंड एबो जीरो डिग्री सेल्सियस यानी लेस देन टेन डिग्री सेल्सियस एंड एंड अबो जीरोल्सियस या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इन बिटवीन इन बिटवीन जीरो डिग्री सेल्सियस टू टू वॉट टू टेन डिग्री सेल्सियस इनके दरमियान यहाँ पर क्या करता है यहां पर टेम्परेचर रहता है सो दिस इज ई टी नाउ वी है इट्स परमानेंट स्नो फील्ड टेम्परेचर इन ऑल मंथ इज लेस देन जीरो डिग्री सेल्सियस सो ये क्या है वॉट इज दिस दिस इज वॉट परमानेंट स्नो फील्ड याद रखना परमानेंट परमानेंट स्नो फील्ड परमानेंट स्नो फील्ड यहां पर है और यहां पर टेम्परेचर हर 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 महीने में यानी ओवर थ्रू आउट द ईयर जो यहां का टेम्परेचर रहता है इट इज व्हाट इट इज लेस देन जीरो डिग्री सेल्सियस दैट मीन इट्स इन माइंड हाँ सो यहां पर क्या होता है लेस देन जीरो डिग्री सेल्सियस मगर मैं बात करता हूं मैं बात करता हूं थ्रू आउट थ्रू आउट द ईयर पूरे साल आपको जीरो डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है और, और यहां पर बहुत ठंडी होती है सो दिस वॉज अबाउट द क्लाइमेटिक डिविजन्स और द क्लासिफिकेशन बट यू हैव टू राइट समथिंग दट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यू राइट राइट क्वेश्चन अब मेन्स का भी सवाल आ सकता है तो मीनस के हिसाब से क्वेश्चन कैस, कैसे आ सकता है तो आप अगर मेनस क्वेश्चन आया तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेना लेकिन इवेल्युएशन uh, जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो uh, जिसको बहुत तारीफ होगी गई हैं कूपन को लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने कंसिडर ही नहीं की हैं जिसको मैं कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो ठीक है ना क्रिटिसिज्म जिसको मैं कह सकता सो राइट कोपन्स और यूज टू कोपन यूज टू इज़ली मेजरेबल वेदर एलिमेंट्स कोपन यूज टू इज़ली मेजरेबल वेदर एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल प्रसिपिटेशन फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर for example precipitation as the basis of or sorry as the basis for as the basis for statistical parameters for example temperature and pressure as the basis for statistical parameters likha statistical parameters for the delineation of for the delineation of uh uh, different climatic regions. D e l i e l i n e a t i o n, delineation of different climatic regions. In fact, full stop. In fact, temperature and precipitation. In fact, temperature and precipitation are most widely and most frequently used most widely and most frequently used effective weather most widely and most frequently used effective weather elements as representatives as representatives of the effects of climatic control. Okay. Now, uh, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको uh, लिखनी होगी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या गड़बड़ भी था मतलब uh, अगर उसने ये क्लासिफिकेशन दी है लेकिन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई थी सो यू कैन राइट इन स्पाइट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ इन स्पाइट ऑफ सिवरल मेरिट्स इन स्पाइट ऑफ सिवरल मेरिट्स Copernicus schema classification has also suffered in spite of several merits Copernicus scheme of classification uh, scheme of classification also suffers from some serious drawbacks also suffers from serious some serious drawbacks for example for example, <clears throat> for example, Copen gave undue significance to. For example, Copen gave undue significance to mean monthly values, mean monthly values of temperature and precipitation in his scheme of climatic classification. I am repeating. Copan gave undue significance to mean monthly values of temperature, mean monthly values of temperature and precipitation in his scheme of climatic classification and neglected other weather and, and neglected other weather elements. such as such as precipitation intensity such as precipitation such as precipitation intensity amount of amount of cloudiness amount of cloudiness and number of rainy days number of rainy days daily temperature extremes daily temperature extremes winds winds etc winds etc he full stop he made his scheme he made his scheme more descriptive. He made his scheme more descriptive and generalized and ignored the consideration of he made his scheme more descriptive and generalized and ignored the consideration of causative factors of climate. C A U S A T I V E Causative Factors of Climate stop he did not include the he did not include the characteristics of different ear masses he did not include the corrective factors of climatic sorry he did not include the characteristics of different ear masses in his classification in his classification ok सो दिस वॉज ऑल अबाउट अबाउट कोपन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है सो यू कैन राइट अगर कमेंट के बारे में आया तो आप पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना जो मैंने अभी आपको लिखवाया और आप, आप इसको uh, अगर नेगेटिव पॉइंट्स आए तो आप वो भी लिखना ठीक है ना सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोपनस क्लासिफिकेशन थैंक यू वेरी मच